कि आज इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है और उसमें वो ये कहते हैं अपनी प्रिडिक्शन का उन्होंने इजहार किया है कि उन्हें लगता है कि जेआईटी जो है वो नवाज शरीफ साहब को मुजरिम जो है वो करार दे देगी, और उन्होंने गलत इस्तेमाल किया पीएम ऑफिस का टैक्स इवेजन में, मनी लॉन्ड्रिंग में, परजरी में। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वो लोग जो ये सोचते हैं समझते हैं कि मैं आग से खेल रहा हूँ और मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ, तो ये बड़ी छोटी कीमत होगी इस मुल्क को करप्शन के माफियाज के गॉडफादर से निजात दिलाने के लिए। तो इस चीज़ का भी कोई अंदेशा है जो इमरान खान साहब के हवाले से केस चल रहा है? जी इमरान खान के बारे में जो अपोजिशन के बड़े सरकर्दा रुकन हैं और हकूमत के सरकर्दा रुकन हैं वो यही कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को देख रहे हैं कि वो शायद अपना डिस्क्वालीफाई होंगे, और ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, मगर जो कागज़ पे जो इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में केस है उसके अंदर उनके तमाम जब कागजात जमा हो भी गए हैं और कुछ और भी एक दो दिन में और भी जमा हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता। मगर खान साहब की तबीयत इस तरह की है, वो कह देते हैं कि हाँ जी अगर मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ तो, और अगर मेरा मकसद इसमें कामयाब हो जाए तो मेरे लिए ये सोने पे सुहागा है कि मैंने कम से कम इस मुल्क की खिदमत की और मैंने यहाँ पर आकर इन लोगों को कटहरे में तो पहुँचाया।